पूरी खबरें विश्लेषण जिम्मेदारी के साथ अब आपको मिलेगी एक क्लिक पर। डाउनलोड कीजिए 7i News एंड्रॉयड ऐप। किन्नरों को हमारे समाज में एक दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता है। जीवन भर हिकारत झेलकर उन लोगों को बधाइयां देकर पूरी जिंदगी काट देने वाले, जीवन की तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी कुछ किन्नर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीने में सफल हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i News। ट्रांसजेंडर समुदाय धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहा है, हालांकि उसे इसके लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है और न जाने कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत अधिक सफलता इन्हें आज भी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण ट्रांसजेंडर के लिए सम्मानित जीवन जीना सपना ही है। वे समाज में महज उपासक के पात्र बनते हैं। देश में ट्रांसजेंडर समुदाय बराबरी और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अरसे से संघर्ष करता रहा है, उससे कुछ सामाजिक संगठनों और देश के प्रबुद्ध वर्ग का साथ मिला। इस समुदाय में अनेक लोगों ने अपनी प्रतिभा और लगन के बूते समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और दूसरों के लिए मिसाल पेश की। ऐसा ही एक वाक्य भोपाल में देखने को मिला, भोपाल के मिंटो हॉल में, जहां पर किन्नरों ने कविता पाठ करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्व रंग में कई कविताओं के कविता पाठ किए, जिसमें से अधिकांश किन्नर संपूर्ण भारत से आए हुए थे। इंसान देखते हैं, सपना इस दुनिया में सिर्फ इंसान देखते हैं, लेकिन हम तो इंसान भी नहीं, इसलिए सपना भी मुझे उनसे भागते हैं। इंसान कहलाने का हक इस समाज ने मुझसे छीना है, इंसान कहलाने का हक इस समाज ने मुझसे छीना है, लेकिन उसी समाज ने मुझे जरूरत से ज्यादा आजमाया है। जब छोटी थी परियोस्तान की कहानी सुन के खुद को राजकुमारी मानती थी, लेकिन ये पता नहीं था राजकुमारी के भी परम उनके शरीर से भी होती है। भोपाल से विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।